ऐसे दिन भी हुई मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज प्लेस, मेरे चैनल पे खुश आमदी। तो कैसे हैं आप सब? और आप सबका बहुत शुक्रिया, कल आपने मेरी वीडियो काफ़ी लाइक किया, पसंद किया, बहुत से कमेंट्स किए, आपको फनी भी लगी और काफ़ी अच्छी लगी। ये जी मैंने मिठू को बोलना सिखाया है, आप लोग भी इंजॉय करें। और अगर आपके पास मिठू हैं तो आप उनको ये वॉइस सुनवा कर उनको भी बोलना सिखा सकते हैं। तो मेरे मिठू जो है काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ शेयर करूं। अब मज़ीद इम्प्रूवमेंट होगी वो भी शेयर करती रहूँगी। لبيك يا حسين لبيك يا حسين जी व्यूअर्स, अभी जो है रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और सारा दिन आज काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरा, और उसके बाद कुछ गेस्ट वगैरह भी आए थे, उस हवाले से भी फिर काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी टाइम देना पड़ा, कंपनी देनी पड़ी, ये वो काम तो करते कराते अभी मैं बिल्कुल फारिग हूँ, बल्कि मैं थकी थकी भी अब लग रही होंगी। कल हमने जाना है कहीं पर ना, तो उसके लिए सुबह जल्दी ही उठना है और फिर सारा नाश्ते वगैरह से फारिग होकर, और बच्चे भी जब तक आ जाएंगी तो फिर हम लोग इंशाल्लाह 11 से 11 निकल जाएंगे। कहाँ जाना है ये मैं आपको कल ही बताऊँगी। तो अभी रात तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा है, मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स से भी बात कर लूँ, थोड़ी सी सारे दिन बात नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। और उसके अलावा ये था कि आप लोगों से बात करने के लिए ना एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो बस थोड़ी सी ये भी बात आप लोगों से शेयर करनी थी कि मेरी माँ ना जो मैं अक्सर वीडियो में डालती रहती हूँ ना, वो ऊपर आके बैठ जाती थी और खाना वाना मांगती थी। वो है तो वो स्ट्रीट कैट ही, लेकिन दोस्ती बहुत ज़्यादा है उससे मेरी, तो वो बेचारी ना मुझे लगता है 5-6 दिनों से नहीं आ रही, उसको किसी ने पता नहीं पकड़ लिया है। क्योंकि इस तरह के स्ट्रीट कैट्स जो हैं वो कबूतर वगैरह पे भी हमला करती रहती हैं, शायद किसी ने कबूतरों की वजह से उसको पकड़ के कहीं फेंकवा दिया या क्या मसला हुआ है। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, उदास हूँ, और उसके लिए मैं चिकन भी अलग करके रखती हूँ, दूध भी रोज़ाना रखती हूँ, बस वो नहीं आ रही है। लेकिन मैं दिल को यकीन है, मैंने रात भी काम में देखा है कि जैसे मानो आई हुई है, मेरे दिल को यकीन है वो जहाँ भी होगी सेफ होगी और अल्लाह करेगा आ जाएगी। आप लोग भी दुआ कीजिएगा वो खैरियत से आ जाए। और इस तरह से अच्छा मुझे सुबह ना ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई म्याऊं म्याऊं छुटछुटी कर रहा है बहुत ज़्यादा छत पे सीढ़ियों वाली साइड पे, तो मैं गई हूँ, मैंने वहाँ जाके देखा है, तो जी वहाँ पर ना छोटे छोटे बेबी भी हुए मेहमानों के, और मुझे तो पता ही नहीं था उसने बेबी दिए हुए, शायद वो होंगे 25 डेज़ के या 1 मंथ के होंगे बेबी ना ना छोटे बेबी। ये है कि सुबह मैं जाके आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी किस तरह के हैं, कैसे हैं, उसकी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। और दुआ करें कि मानो आ जाए, क्योंकि थोड़ी सी मेरी जिम्मेदारी में और इजाफा हो गया है, एक तो जाके उनकी केयर करनी पड़ती है, बल्कि व्यूअर्स आपके घर भी कोई कैट आए ना तो आप उसको बिल्कुल भी ना निकाला करें, भगाया करें, बल्कि उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए डाल दिया करें। ये दुआएँ देती हैं कैट्स, बहुत दुआएं देती हैं। इवन कि मैंने एक दफ़ा सुना था कि जो कैट्स की केयर करता है ना तो उसकी ज़िंदगी भी दराज होती है, दुश्मनों से महफूज रहता है, और बिल्ली को खिलाना सदके जारी है। ठीक है, आपके ऊपर से बहुत सी बलाएं बहुत सी मुसीबतें टल जाती हैं, तो आप स्ट्रीट में भी कहीं देखें कैट्स या डॉग्स वगैरह, उन्हें दूध रोटी गोश्त वगैरह ज़रूर डालते रहा कर। बल्कि कैट्स के हवाले से आज मैं आपको एक ऐसा विर्द बताती हूँ कि जिसके करने के बाद ना आपके घर में बेपनाह रिस्क का इजाफा होगा। जैसे मुझे पता चला है तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये भली बात ज़रूर मैं शेयर
शेयर करूँ ताकि आप लोगों के रिस्क में इजाफा हो, आपको कोई तंगी ना हो, आप जो कर्ज़ हैं आपके वो भी अदा हो, आपकी ज़िंदगी भी दराज हो। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वजीफ़ा है और ये कैट्स के हवाले से ही है कि आप अपने घर में जो भी कैट आए उसको बिल्कुल ना भगाएं और उसकी जो है दूध डालें, रोटी डालें या गोश्त डालें, उसके ऊपर ना आप 21 बार फाबी आही आला रबी कुमा तो कज़ीबा पढ़ कर फूकें और वो फिर गोश्त का टुकड़ा या रोटी या दूध जो भी चीज़ है वो उसको खिला दें। तो यकीन करें वो बिल्ली के इनके अंदर से आपके लिए दुआ निकलती रहेगी और आप जहाँ भी कैट देखें यही पढ़ पढ़ के उसको डालते रहें, ये पढ़ पढ़ के उसको डालते रहें, आप देखें चंद ही दिनों में आपके घर में एक वाज़े तब्दीली होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और उस दुआ में फिर मुझे भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। जी व्यूअर्स, हम लोग मुल्तान आए हुए हैं। मैंने स्टार्ट में इसलिए नहीं बताया कि आप कहेंगे हर वक्त ही कहते हैं कि हम मुल्तान आए हुए, ये काम है मुल्तान, क्योंकि दिन में एक दो चक्कर लग ही जाते हैं मुल्तान के ना, एक दिन छोड़ के एक दिन चक्कर लग जाता है। तो हम यहाँ आए हुए थे वेस्टर्न यूनियन में, ओ माय गॉड इतना रश था वहाँ पर, हम लोग ठहरे ठहरे बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार। कहते हैं पाकिस्तान गरीब है, पैसा नहीं है, इतने लोग आए हुए थे ना पैसा लेने के लिए क्योंकि मैंने पैसे सेंड करने थे, मैं इसलिए गई हुई थी, वरना लोग वहाँ पर पैसे लेने के लिए आए हुए थे, डॉलर्स वगैरह और ये सऊदी अरब रियाल और इस तरह से सारा। तो बहरहाल अभी हम लोग फिर थोड़ी सी आइसक्रीम वगैरह खाएँगे, कुछ खाएँ पियेंगे बस, फिर बैक टू पवेलियन घर जाएँगे। मुझे ना कौन आइसक्रीम पसंद है, तो मतलब वो जो होती है ना पैक्ड आइसक्रीम्स वगैरह वॉल्स वगैरह की, वो तो खाते रहते हैं, उनमें वो मज़ा नहीं आता जो आप कोन में जो मज़ा होता है ना, तो बस वो फिर कोन आइसक्रीम। ये देखें यहाँ से हम लोग आइसक्रीम ले रहे हैं, कोन आइसक्रीम। व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ हुआ था, वो रिक्शे पे कोई सामान लेके जा रहा था फट्टे से के ऊपर, जैसे कि आपने देखा वो भी उल्टा हुआ था और वैगन का फ्रंट का डोर बिल्कुल उड़ा हुआ था। हम लोग वहाँ रुके नहीं हैं क्योंकि रश काफ़ी था, लेकिन लोग बता रहे थे कि वो ना हॉस्पिटल जख्मियों को उठा के लेके जा चुकी है एम्बुलेंस ना। अब ये देखें यहाँ कोई बच्चा होगा, ये देखें व्यूअर्स, मैंने फिर ऊपर देखा ना तो काफ़ी चीने और कवे भी यहाँ इकट्ठे हुए हुए थे, जैसे कोई परेशानी की इतला दे रहे हों। मिशू बाबा बैठे हैं, मिशू बाबा, मिशू बाबा, मिशू बाबा के फिर बेबी होने वाली हैं जी। ये बहुत ज़्यादा जो है ना सोई रहती है सारा दिन, है ना मिशू, मिशू मटको धुल की मेरी बहुत प्यारी कैटो है, मिशू बहुत, मिशू इज अ गुड गर्ल। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपके पास कैट्स हैं ना और उनके बाल उतरते हैं तो आपने दो केयर्स बहुत अच्छे से उनकी करनी है। एक तो ये कि आपने उनको इस तरह से रोज़ाना सुबह उठ के कॉम करना है और फिर दूसरा हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा के इनका पूरा बॉडी पे सर से लेके दुम तक अच्छे से फेर देना है, जितना एक्स्ट्रा बाल है ना वो उतर जाएंगे। वैसे इनके पास बिल्कुल प्लेन वाइट कैट्स हैं, कैट्स वाइट कैट्स के ज़्यादा उतरते हैं बाल, तो इनके इतने बाल नहीं उतरते, लेकिन केयर इनकी करनी पड़ती है। केयर करेंगे ना तो आपकी कैट के बाल भी नहीं उतरेंगे, आपको इरिटेशन नहीं होगी। क्योंकि होता ही है कि बाज़ फर लोग कैट से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनके बालों की वजह से इरिटेट होकर तो फिर वो उनको छोड़ देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करें। आप उसकी केयर करना सीखें, उसको अच्छी फूड खिलाएं, बैड फूड खाने से भी बाल बहुत उतरते हैं, और उसको एक महीने में 15-20 दिनों में एक दफ़ा नहलाएं ज़रूर। सर्दी हैं तो हर महीने नहला लिया, गर्मी है तो 15 दिन के बाद उसको नहला लिया, क्योंकि मैं कैट्स को इसलिए कम नहलाती हूँ कि मेरे पास साफ़ सुथरी फ़िज़ा में वो रहती हैं और वैक्सीनेशन भी है, तो इस तरह आपने केयर करनी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। कल मिलते हैं एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।